अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। समझ रहे बच्चों? तो मेरे कहने मतलब है कि किसी कार्य को प्रति लेकर के हम सजग हैं, तत्पर हैं, तो
उस कार्य को जल्दी कर लेंगे या फिर उस कार्य को जल्दी सीख लेंगे, और ये तत्पर नहीं है तो हम सीखने में देर होती है। ठीक है बच्चों, आपने इस क्लासरूम में भी देखा होगा कई बच्चों की कॉपी जल्दी कंप्लीट होती है, कई बच्चे होमवर्क जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या तत्पर रहते हैं कि आज हम स्कूल जाएंगे, स्कूल में स्टडी होगी, जो भी हमको होमवर्क मिलेगा हम आपके घर जल्दी कर लेंगे, क्योंकि उस कार्य करने के लिए तत्पर है। यदि अपर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तत्पर नहीं होते, तो उनके मम्मी पापा बोलते रहते हैं बेटा होमवर्क, टीचर्स बोलती रहती है होमवर्क किए नहीं किए, बस लेकिन उनका जो न्यूट्रल रहते हैं वो रिजल्ट ही नहीं आता। समझ रहे बच्चों? तो तत्परता का नियम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है बच्चों अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास मतलब होता है दोहराव, किसी भी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? अभ्यास का नियम। अर्थात इस नियम को उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अभ्यास का मतलब बच्चों बार बार दोहराने से है। यदि हम किसी भी कार्य को बार बार दोहराएं तो अभ्यास का नियम कहलाता है। एक बहुत फेमस दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रस्सी आवत आवत जाते सिल पर होत निशान। इसका मतलब है बच्चों, यदि कोई मूर्ख बच्चा है, कि कोई मूर्ख बच्चा है, व्यक्ति है, तो यदि डेली बेसिस पे अभ्यास करे तो वह विद्वान आराम से बन जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने एग्जांपल दिया कभी ने कि जब कोई रस्सी जो होती है कुआं, आप जानते हैं कुएं में जब हम पानी भरते हैं तो रस्सी को डालते हैं पानी को बाल्टी बांध के, तो जैसे जैसे रस्सी खींचते हैं तो डेली बेसिस पे जब उसमें यूज होता है तो जो पत्थर जो होता है कुएं का उसमें निशान बन जाता है रस्सी की जाने से। ये क्यों? ये अभ्यास का रिजल्ट है, अभ्यास का ही परिणाम है कि बार बार हम दोहराव करते हैं, एक दिन पाल पानी भरे, दो दिन भरे, उसमें जिस प्रकार से पत्थर निशान पड़ सकता है उस प्रकार अभ्यास के द्वारा एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। तो ये हमारा अभ्यास का नियम। ठीक है बच्चों, तो थंडाई का जो अभ्यास के नियम ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि हम किसी भी कार्य को बार बार अभ्यास करते हैं तो वो कार्य से जल्दी बन जाता है। आप स्टडी में देखिए, यदि अपन किसी चीज़ को बार बार उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं, तो पढ़ते हैं अपन से कुछ भी चीज़ याद नहीं होती, दोहराव करते हैं तो वह विषय वस्तु हमको जल्दी याद होती है और हमसे बनने लगती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों प्रभाव व परिणाम का नियम। प्रभाव व परिणाम का नियम, इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष या असंतोष का नियम, इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी अपन सोचते हैं कि कोई भी हम कार्य करने वाले हैं उस कार्य का जो रिजल्ट है वह अच्छा होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा, तो उस कार्य के प्रति हम क्या रहते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, और हमको यदि मालूम होगा कि यह कार्य हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम उस कार्य के प्रति क्या होते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यदि सपोज यदि अपन को आज हमारा किसी भी बच्चे का टेस्ट है मैथ्स का, उस बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो स्कूल में जा करके वह बहुत अच्छे से टेस्ट देगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब उस बच्चे को रिजल्ट पता था कि मैंने अच्छा तैयार कर लिया तो मेरा टेस्ट अच्छा जाएगा, तो क्या होगा, खुश होगा, पहले से ही खुश होगा। ठीक, और लेकिन जिस बच्चे ने बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं करी है और उसका मैथ्स का टेस्ट है और उसको मालूम है कि मेरे से मैथ्स के टेस्ट में कुछ नहीं बनने वाला, तो क्या करेगा, परिणाम उसको पता चल गया ना, अनुभूति हो गई परिणाम की, तो वह परिणाम की अनुभूति के पश्चात वह बच्चा पहले से दुखी रहेगा, मॉर्निंग से ही रहेगा, अरे मेरे से कुछ बन ही नहीं रहा, मेरे से कुछ बन ही नहीं रहा, तो वो क्या होगा, इस कार्य के प्रति उस बच्चे को असंतोष होगा। ठीक है, संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए इसको प्रभाव या परिणाम या असंतोष असंतोष कहते हैं। जैसे बच्चे थोड़े थोड़े अच्छे रहते हैं, एक घंटे पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है, बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं उनके समझ नहीं पड़ता तो वो दुखी हो जाते हैं। यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं उसके परिणाम से हमको प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिणाम व प्रभाव का। तो थंडाइक के बच्चों ये तीन मुख्य नियम है, थंडाइक के सीखने के लिए तीन नियम है, कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव व परिणाम का नियम। तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब बनते हैं सीधे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित नियमों में से कौन सा थंडाइक के सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक, ऑप्शन दे देगा या फिर पूछ ले कौन सा सम्मिलित नहीं है, या फिर तीनों पता होगा तो नहीं है, आराम से अपनी कर लो। ठीक है बच्चों, तो थंडाइक के सीखने के लिए मुख्य नियम बताएं, इनके द्वारा बच्चा आसानी से सीख सकता है। इसके बाद थंडाइक ने कुछ गौण नियम भी बताए या अन्य नियम भी बताए, इनके द्वारा भी बच्चा सीख सकता है। सबसे पहला बच्चों
बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये बहुप्रतिक्रिया, बहु यानी कि बहुत सारी। जब बच्चा एक कार्य को करने के लिए अनेकों प्रयास करता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी कि एक कार्य को करने के लिए अनेकों प्रयास करना बहुप्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत आता है। इसमें यदि हम एग्जाम्पल देखें कि मैथ्स में क्या करते हैं, मैथ्स जब सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास विभिन्न सारी मेथड्स होती है, ठीक है। हम किसी भी मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह इसके अंतर्गत आता है, बहुप्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट मेथड है आत्मीकरण का नियम, आत्मसात करना, आत्मसात करना, आत्मीकरण का नियम। यह बच्चों ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि ज्ञात, यदि जब ये जो नियम काम करता है, जब हम बच्चों को कि कोई भी विषय वस्तु पढ़ाते हैं तो उस विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले उस विषय वस्तु का जो संबंध है हम बच्चे की पूर्व क्लास से, ठीक है, या फिर पिछले किसी चैप्टर से उसको आभास कराते हैं, अब फिर पढ़ाते हैं, यानी उसको ज्ञात करवाते हैं, फिर अज्ञात की ओर ले जाते हैं। तो ये आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बच्चे को न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो न्यूटन्स लॉ यदि हम पढ़ा रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ में न्यूटन्स लॉ को बताने से पहले हम यदि यह पूछें बच्चे से, क्यों बच्चे आप जो है आप बस से आए, बस में कभी आप बैठ लेते हैं, तो जब आप बस आगे की ओर चलती है तो क्या होता है जवान की ओर, तो हमारा जो पिछला हिस्सा जो रहता है एकदम से अचानक चलती है तो आगे जो कमर के ऊपर वाला था क्या आगे क्यों गिर पड़ता है, अचानक से रुकती है तो पीछे की ओर गिर पड़ता है, तो ये रीजंस क्या है, ठीक। तो यदि हम बच्चे ने ऐसी फीलिंग करी, ऐसा बच्चे ने महसूस किया है, तो बच्चे को सबसे पहले हम ये बता दें, और ये बताने के बाद फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ाए, उसमें क्या होगा बच्चा जल्दी से समझे, और जल्दी से समझने के बाद बच्चा जल्दी से उसको समझ भी आएगा, और जो भी हम बताएंगे उसको आत्मसात करेगा। तो आत्मीकरण का नियम यहाँ पर श्रेष्ठ होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है मनोवृत्ति, यानी कि एक्टिविटी। मनोवृत्ति क्या होती है? तो ये बच्चों इसके अंदर क्या होता है, जिस कार्य के प्रति जैसी मनोवृत्ति होती है वैसे ही बालक सीखेगा। मतलब मनोवृत्ति क्या होता है बच्चों, यदि कोई सपोज दैट कोई कार्य, ठीक, अब उस कार्य के प्रति कोई बालक की मनोवृत्ति जैसी है, यदि बालक का मन है कि इस कार्य को मैं सीख जाऊं या सीख सकता हूं या सीख नहीं सकता, तो उस हिसाब से बालक का सीखना तय होता है, ठीक। एक कहावत श्रेष्ठ बच्चों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा मन बोल दिया कि इस कार्य में वो हम कर सकते हैं तो उस कार्य को हम कर लेंगे, और यदि हम मन से ही हार गए कि हम ये कार्य कर ही नहीं सकते, तो कितने भी एफर्ट्स लगा लिए जाए उस कार्य को कतई नहीं कर सकते, ठीक। यानी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन हार गए तो आपकी किसी भी कार्य में हार तय, यदि आपका मन जीत गया तो आप उस कार्य को आसानी से जीत सकते हैं, सिर्फ कर सकते, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों की मनोवृत्ति की बात की। नेक्स्ट बच्चों आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया नियम, यह नाम से स्पष्ट होता है, यानी कि अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण क्रिया। इसका मतलब यह है बच्चों कि किसी भी बड़े कार्य को हम करने से पहले जिसको छोटे छोटे भागों को कार्य को कर लेते हैं तो वह बड़ा काम आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जो इसमें आंशिक क्रिया का नियम है, अंश से पूर्ण की ओर, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर बड़े कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं। तो कार्य करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उस कार्य के छोटे छोटे भाग यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट बना लिए तो बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सहचार परिवर्तन का नियम, क्या क्या होता है बच्चों? तो जो सहचार्य परिवर्तन का नियम होता है, इसमें क्या होता है कि हम पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरे स्थिति में करना, यानी कि कोई भी क्रिया हम पहले कर चुके हैं, ठीक, कोई भी क्रिया हम पहले कर चुके हैं तो उस क्रिया को हम दोबारा कर रहे हैं तो यह क्या कहलाता है, सहचार्य परिवर्तन का नियम। इसमें हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मान लो एक छोटा सा बेबी है, ठीक, तो उसकी माँ क्या रहती है, उसके सामने रहती है तो वह अच्छे से रहता है, और जैसे
माँ जाती है तो क्या करता है, रोने लगता है। ठीक, रोने लगता है। अब अचानक से वो माँ चली गई, रोते रहा, फिर उसको कुछ खिलौने दे दिया, फिर चुप हो गया, खेल गया। इसके बाद यदि माँ को नहीं दिख रहा बच्चा, ठीक है, लेकिन अभी अपन ने क्या किया, माँ की तस्वीर को दिखा दिया या फिर माँ की कोई इमेजेस फोटो वगैरह दिखा दिया, तो बच्चा क्या करता है, फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। यानी इसमें क्या होगा, उसने पहले कभी की क्रिया को, पहले क्या हुआ, जब माँ उस गई तो बच्चा ने रोना स्टार्ट किया, तो जब फिर उसकी तस्वीर दिखा गई, दिखाई गई, तो बच्चा अपने उसी समान दूसरी स्थिति में फिर से रोना स्टार्ट करता है। तो ये क्या कहलाता है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, यानी कि चेंजेस हो रहा है, कैसे, पहले देख के रो रहा था, अब तस्वीर से रो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, मैंने बताया थर्ड एक्ट जो मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव व परिणाम का नियम, ये मुख्य नियम है बच्चों। इसके अलावा जो सीखने के जो बड़े नियम है उनमें है बहु प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति, अंशक्रिया का नियम और साक्षर प्रयोग। ठीक है बच्चों, अब थंडाइक ने जो जो नियम्स बताए हैं, तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इन नियमों से बच्चा सीखने की कोशिश करता है बहुत ही जल्दी सफलता को प्राप्त करता है। बच्चों, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होगी, सर ने ये थंडाइक को मुख्य नियम कैसे पढ़ा रहे हैं, थंडाइक का तो एक दूसरा नियम है। ठीक है, थंडाइक का एक और नियम है ना, जो इसको हम संबंधवादी सिद्धांत के बोलते हैं। ठीक है, जो थंडाइक का जो बिल्ली वाला जो है, ठीक है, बिल्ली को बंद कर देते हैं, तो बच्चों वो संबंधवादी नियम है। ठीक है, जिसको हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं, ऐसा रूल भी कहते हैं। तो वो जो है बच्चों, वो रूल अलग, उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया था। ठीक है, वो एक प्रयोग किया था, जो प्रयोग करके उन्होंने बताया था कि एक जो स्टिमुलस होता है, ठीक है, तो स्टिमुलस कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट को देख करके। तो वो जो उसे वो वाला जो टॉपिक है उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो अलग नियम, लेकिन ये जो है ये सीखने के नियम बताए गए थंडाइक के, तो ये जो टॉपिक है वो अलग है। तो एक बात आप गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि दोनों टॉपिक्स डिफरेंट हैं। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि थंडाइक तो दूसरा ही नहीं, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी है, लेकिन दोनों सेपरेट सेपरेट है। तो अगर आप इसको देखिए, फिर कल अपन कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही आज की क्लास, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ आई होगी। यदि ये लेक्चर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कमेंट जरूर करें। आप लाइक करने में भी दूसरी कर दो और कमेंट करने में भी, और लाइक करने में जाता क्या बच्चों, आपको समझ में अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, उससे क्या होता है, तो हमारा एनर्जी लाइक, आपका एक लाइक हमारा एनर्जी बूस्टर होता है। आप लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा सा एनर्जी आएगी, ठीक है, तो हम वीडियो और अच्छे से बनाएंगे और बनाएंगे। ठीक, और जो यदि आपको कुछ इशूज होते हैं, जो आपके समझ में चीज़ें नहीं आती, तो आप कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक नई क्लास के साथ, तब तक आप मन लगा कर पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य में विजय पाइए।